बात करूंगा, इम्पोर्टेंट फोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करेंगे, रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप कस्टमर से अच्छे रिलेशंस रखते हैं तो कस्टमर्स 10-10, 20-20, 25-25 साल तक आपसे जुड़ा रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया में देखिए बहुत सारे फूड बाजार्स आ चुके हैं, बिग बाज़ार है, डी मार्ट है, टाटा बाज़ार है, स्टार बाज़ार है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स है, बट आप देखोगे कभी भी कि उनकी आज इतने सारे बड़े बड़े मॉल्स होने के बावजूद भी छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि किराने की स्टोर्स, वो आज भी आपको दिखेंगे कि वो चल रही है। बिल्कुल, क्यों चल रही है पता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग की वजह से, बस और कुछ नहीं। लोगों ने उस वक्त क्रेडिट पे सामान मिलता था, लोग उधारी पे सामान लेकर आते थे, जब उनकी सैलरीज हो जाती थी तब उनको पेमेंट कर देते थे, और ये पर्टिकुलर सिलसिला बहुत सालों से चलता था और अभी भी चल ही रहा है। यस, अगर मैं खुद की भी बात करूँगा, मैं अपनी खुद की बात करूँगा, मैं कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं मैं डी मार्ट से भी लेता हूँ, और हमारा एक 1997 से हम एक जनरल स्टोर से भी लेते हैं, तो मैं वहाँ से भी फूड ग्रेन्स लेता हूँ। यस, मैं देखिए मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी कुछ सामान खरीद रहा हूँ और ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी कुछ सामान खरीद रहा हूँ। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सिंपल। दूसरे क्या करते हैं वो अलग बात है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप मार्केटिंग की वजह से ही हुआ है, क्योंकि देखा जाए कि भाई हाँ हमारे रिलेशन अच्छे हैं इसीलिए, क्योंकि मुझे वो बंदे का बिहेवियर भी अच्छा लगा है, वो बंदा हमें बहुत सपोर्टिव किया था एक वक्त में, तो इसीलिए हमने क्या किया कि भाई हमने आधा आज भी कुछ सामान हम उनसे खरीदते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।